नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं रोहित बचराज आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मामन सिंह मुरा ब्रीडिंग फार्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी पशुपालक भाइयों तक पहुँचती रहे। तो आज हम पहुँचे हैं झज्जर ज़िले के बिरदाना गाँव में। झज्जर ज़िले से छठा हुआ बिल्कुल लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर गाँव आता है, तो वहाँ पर आए हुए हैं। तो जो ये पशुधन आप देख पा रहे हैं, जो कि सर इस पशुधन को बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। रॉयल मेडिकल हॉल सभी दवाइयों का वन स्टॉप डेस्टिनेशन, चाहे इंसान हो या हो पशु, सभी के लिए दवाइयाँ मिलेंगी बाजार से उचित रेट पर। ये ही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे पास आपके पेट्स के लिए हर तरह की जरूरत का सामान जैसे डॉग फूड, फिश फूड, बर्ड फूड और एक्सेसरीज आइटम्स भी अवेलेबल है। ट्रस्टेड सोर्स से डॉक्टर्स के लिए नाइट्रोजन गैस भी मिलेगी और यहाँ मिलेगा एकदम स्पेशल 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला मुर्राह, बैल, डॉलर, कढ़ौदा का सीमन आपके पशुओं के लिए, और ये सब 24/7 होम डिलीवरी की सुविधा के साथ मिलेगा। तो आज ही आइए रॉयल मेडिकल हॉल जहाजगढ़ रोड बेरी और सभी दवाइयाँ और पेट केयर प्रोडक्ट्स का लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करो। जो इसकी पूरी जानकारी होगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो राम राम जी। और कैसे हो? बढ़िया जी। एक बार आप अपना गांव और एड्रेस कन्फर्म करवाना। मेरा नाम है सुंदर। सुंदर, हाँ जी, सुंदर मिस्त्री कहते हैं गांव में जी। और नाम गांव है बिरदाना। गांव बिरदाना, जिला झज्जर। जिला झज्जर, झज्जर के पास में ही है जी गांव। 5-6 किलोमीटर है झज्जर। तो सर, जो आपके पास ये पशुधन है, अपने घर का या लेके आए थे? नहीं, मेरे घर का है जी। आपके घर का है? बिल्कुल। कौन से ब्यात के अंदर है ये? ये अभी दूसरे ब्यात में है। अभी ये दूसरे ब्यात में बच्चे को जन्म देगी जी। और पहले ब्यात में इसने सर कितना दूध दिया है? इसने 18+ दे रखा है पहले ब्यात के अंदर। दांतों में कैसी थी जोटी उस समय? उस समय 3 दांत। अच्छा, यानी 4 दांत के अंदर आ जाती है, 2 दांत तोड़ने के बाद। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम सोनू गोची। तो 4 दांत के अंदर आ जाती है, 3 दांत तोड़ने के बाद उस समय इसने 18 किलो दूध दिया है। अडर क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं, जोटी कहीं से नहीं चूकती। एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हमें जो थन के ऊपर ये निशान सा है, इसमें कोई दूध वगैरह किसी प्रकार का आता है नहीं आता जी? देखो जी, झूठ बोलने नहीं जा हमसे, इसमें से कभी कभी एक आधा टपका आता है। अच्छा, कोई कोई टपका आ जाता है। अच्छा, तो ये देख सकते है भाई, अडर क्वालिटी है, अडर के ऊपर से उभरी हुई नशे देखिए, मिल्क वेन देखिए, काफी मोटी मिल्क वेन है जोटी की। और अडर क्वालिटी आप पीछे से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस। ये देखिए, थोड़ी नया वो करके देख रही है, ये सिंगों की बनावट वगैरह आप देख सकते हैं। तो सर, अब की बार क्या कुछ है, आपकी उम्मीदें हैं इस पशुधन से? मेरी उम्मीद है 20-22 किलो निकाल देना चाहिए। अच्छा, 20-22 किलो दूसरे ब्यात के अंदर अब की बार निकाल देना चाहिए। अब तो दांतों में तो फूल हो चुकी होगी। हाँ जी। अच्छा, तो सर ये किस बुल से प्रेग्नेंट है अब की बार? ये जी मैंने था बीज अपना, ये सुशील डॉक्टर है, सुशील मैराणा गांव से हैं। हाँ, उससे अच्छे वाले से मैंने मंगाए टिकवाया था जी। उसका नंबर वगैरह नहीं पता आपको? सुशील का नहीं, जो टीका रखवाया था। नहीं, उसका नंबर वो बता तो रहा था, कौन से बोल का बता रहा था, मेरा ध्यान नहीं है जी। तो भाई, अच्छा टीका रखवाया था। और ये देखिए क्वालिटी, पीछे से नाभी से लेके मूत्र मार्ग तक जो लेवटी की लंबाई है चौरस है, और बिल्कुल छोटे थन है, मुठिया थन है। ये देखिए भाई, किसी प्रकार की और कोई चोटी के अंदर दिक्कत नहीं। एक बार खोल के दिखाना जी इस पशुधन को। ये देखिए भाई, बिल्कुल कच्चे खुट्टे पे है, साधारण किसान के पास है, ना ही इनका कोई लाया बेची का काम है, ना और कुछ। अपने घर पे पशुधन तैयार करते हैं और अच्छी तैयारी करके अच्छा दूध वगैरह रिकॉर्ड भी नहीं करवाया होगा शायद, सिंपल फार्मर है, अच्छा पशु तैयार करके उसको सेल करते हैं। तो ले आओ जी एक बार। अच्छा अच्छा, दूध रिकॉर्ड करवाया आपने? उसने किया था, सुशील डॉक्टर। अच्छा, सुशील डॉक्टर हैं जी। तो ये देखिए भाई, पीठ पुट्टा काफी अच्छा है, लंबाई ऊंचाई वगैरह भी बहुत अच्छी है जोटी की। ये देखिए, तो भाई कोई भी भाई इस पशुधन के लिए संपर्क करना चाहे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो जी, जो
तो सर आप इस जो अपने पास ये पशुधन है दूसरे ब्याज के अंदर, इसका क्या कुछ मोल भाव आप जो जायज सा रेट होगा वो रखना चाहोगे? मैं जिसमें 1,80,000 रुपये रखना। 1,80,000 रुपये सर ने इसका प्राइस बताया है। तो ये कटड़ी है, ये इसी में इसकी है? ये पिछले ब्याज की जो पहले ब्याज के अंदर इसके नीचे थी वो कटड़ी भी आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी माँ पे आई हुई है ये देखिए। और इस कटड़ी कितना समय बाकी है अभी सर इस मैच का अपनी का? टाइम तो जी आज या कल पूरा हो जाएगा। अच्छा 25 तारीख को हम वीडियो कवर कर रहे हैं, टाइम तो लगभग सर ये बता रहे हैं आज या कल 25 या 26 तारीख को समय पूरा हो जाए। ऊपर कितने दिन ले लेती है? ये 2-3 दिन लेती है जी, 2 से 3 दिन ऊपर ले लेती है। तो वैसे भी बहुत अच्छी बन के आई हुई है, और जिस समय ब्याने लग जाए उस समय भी पशु अच्छा निखर के आ जाता है। तो सर एक बार आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। 97-29-16-80-30-80-30 ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर भाई किसी भी पशु पशुपालक भाई को इस पशुधन के लिए संपर्क करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय गोमाता।